केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। नगर निगम में महिला भाजपा पार्षदों को अपशब्द कहने वाले पार्षदों के खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे आहत आज सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी। जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने नारेबाजी की। सभी ने बुलंद तरीके से कहा कि महिलाओं का अपमान अब नहीं सहा जाएगा। जहां तक बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा की गई टिप्पणी का सवाल है, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि मायावती जी भी महिला हैं। महिलाओं ने नारे लगाए कि फूल भी हैं वह, चिंगारी भी, हम भारत की नारी भी। इस दौरान पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी पार्षदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न होने से आहत महिला पार्षद रेखा सिंह ने प्रदर्शन के दौरान फूट फूट कर रोने लगी। रेखा सिंह का रोते हुए कहना है कि नगर निगम में सार्वजनिक रूप से उन पर टिप्पणियां की गई और इससे वह बेहद आहत है। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उसके बाद ही यह बवाल हुआ है। जहां तक बात 10 जनवरी को होने वाली विपक्षी पंचायत की है, तो वे भी वहां पहुंचकर अपनी बात रखेंगे। देखिए जुलूस व कलेक्ट्रेट का नजारा। भाभी जी आइए, आप तो आप ही सरकार हमारी महिलाओं को आगे ला रही है। ये सरकार और उस सरकार भाजपा सरकार के होते हुए महिलाओं की कब सुनी जाएगी? सभी वर्ग की महिलाएं आज हमारी सरकार के साथ खड़ी हुई है। ज्ञापन के साथ साथ आप हमें आश्वासन दीजिए कि आप उसमें आप देखिए हमारी महिला कितनी पीड़ित है, हमारी चाहिए, हमारा हमारी पार्षद की आंखों में आंसू आ रहे हैं, है ना। हमारी पार्षद कितनी पीड़ित हो रही है इस टाइम। विपक्ष बोल चुका है, जैसे पहले हमारे साथ बदतमीजियां होती थी, ये योगी सरकार है, इसमें हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। जाएगा आज कार्रवाई होनी है। हम सब बहने संविधानी वाला धरना देंगी, यहाँ से नहीं जाएगी। ये आंदोलन होगा, आंदोलन किया जाएगा, धरना। बदतमीजी महिलाओं के साथ हुई है, हमारे पार्षद के साथ बदतमीजी हुई है, उसकी कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? पीड़ित भी हमें, पीड़ित भी हमें, और उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? हमारी पार्षद पीड़ित है, कार्रवाई कब होगी? अगर विकास चाहेंगे विकास होगा, बदतमीजी करेंगे। इस मौके पर भाजपा MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल ने यह कहा। देखिए जो 30 दिसंबर को नगर निगम के सभागार में जो हंगामा हुआ, उसके बारे में हम बात करने आए हैं और प्रदर्शन करने आए हैं। उस दिन हमारी एक महिला पार्षद केवल ग्रहकर की बात कर रही थी खड़े होकर। वो यही कह रही थी कि हिंदू बाहुल्य एरिया में जाते हैं ग्रहकर के लिए, दूसरे इलाकों में भी जाना चाहिए। इससे ज्यादा कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही थी। उसके बावजूद वहाँ हंगामा करने लगे बहुत सारे दूसरे पार्षद जो विपक्ष के पार्षद हैं। मैं ये नहीं कहूँगी खाली मुस्लिम, उसमें सभी लोग थे, वो हंगामा करने लगे, जाति सूचक शब्द कहे, हमारी महिला अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, और थोड़ी देर बाद ही धक्का मुक्की पर उतर आए और इसके खिलाफ उनकी तहरीर ले लिया। जब हमारे
एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी उनको बचाने के लिए आगे आए तो उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, मारपीट करने लगे, तब उन्होंने भी उनको उसके क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। जो एक्शन होता है हमेशा उसका काउंटर एक्शन होता है, तो इन लोगों ने जो मुकदमे दायर कराए, तहरीर दी, उसमें मुकदमा दायर हो गया, जबकि हम लोगों की जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा नहीं लिखा गया है। हम उसकी मांग कर रहे हैं कि मुकदमा लिखा जाए। देखिए, हम तो जब भी हमारी महिलाओं के ऊपर महिलाओं के का अपमान होगा, महिलाओं के ऊपर का दुर्व्यवहार होगा, महिलाओं की परेशानी होगी, तो हम महिलाएं सड़क पर आएंगी और आंदोलन करेंगी। महिलाओं का अपमान हम नहीं सहेंगे। हम इसको ये कह सकते हैं कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, ये इसीलिए तो बात कर रहे हैं, इसीलिए तो आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा के सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ ये आंदोलन है? किसके खिलाफ? प्रशासन ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने गलत तहरीर दी है, गलत व्यवहार किया है, भाजपा पार्षदों का अपमान किया है, हमारी महिला पार्षद महिला की सम्मान ये उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ मोर्चा बनना। तो पुलिस को जांच करना है, पुलिस करेगी, करेगी जब हम लोग दबाव बना रहे हैं, करेगी। भाजपा महिला पार्षद रेखा सिंह ने यह कहा। मेरा नाम रेखा सिंह है। मैंने नगर निगम में अपनी एक बात रखी थी, एक विषय उठाया था कि सबसे ज्यादा कर वसूली हिंदू क्षेत्रों में होती है, जो कर वसूली करते हैं वो थोड़ा मुस्लिम क्षेत्रों में भी जाए, जहाँ से हमें ना के बराबर कर की वसूली होती है। उसके लिए जो वहाँ के तीन लोग थे मामदल मुस्लिम लोग, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। आप पीछे का वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे हिंदुओं में से 95% कर की वसूली होती है और मुसलमानी क्षेत्रों में से सिर्फ 5% होती है। पर फिर भी नगर निगम मेरे वार्ड में हमारे वार्ड में दबाव बनाता है हिंदुओं के ऊपर। मैंने ये बात उठाई थी, उसके ऊपर उन्होंने मेरे को गाली दी और मेरे को पीड़ित किया, गाली दी, अभद्र शब्द बोले। उसके लिए धर्मेंद्र भारद्वाज भाई मेरे विधायक जी और मेरे भाई सोमेंद्र तोमर जी वो वहीं पर बैठे हुए थे, वो बीच विचार करने के लिए आए। उन्होंने जैसे ही उनको धक्का दिया तो उनको तो अपनी बहन की रक्षा के लिए उतरना ही था, तो मेरे दोनों भाइयों को तो कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और जिसने गाली दी उनकी कार्यवाही हो गई, हमारी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। क्यों नहीं होगी हमारी कार्यवाही? अगर हमारी कार्यवाही नहीं होगी तो मैं यहीं पर बैठ जाऊंगी और मैं अपने दोनों भाइयों के लिए उनके साथ अटी हुई हूँ। भाई को हम राखी बांधते हैं, वो हमारे मान सम्मान की रक्षा करते हैं। मैं प्रशांत सिंह चाहती हूँ कि जिससे मैं पीड़ित हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए। और मेरे दोनों भाइयों को, सोमेंद्र तोमर जी भाई साहब और धर्मेंद्र भारद्वाज जी को, बिल्कुल कटघरे से बाहर किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी महिलाएं लेकर सड़क पर उतरूंगी, चाहे मैं कुछ भी करूं। होगी महापंचायत, महापंचायत होगी, हम लोग वहां पहुंचेंगे और सारी नारी शक्ति बोलेगी। मायावती जी बहन जी आज जमीन पर आ गई, वो बोल रही हैं कि ये गलत हुआ है। वो अपना कांड भूल गई, जो उनके साथ गेस्ट हाउस में हुआ था वो भी एक महिला है। महिला का सम्मान, महिला का सम्मान है, चाहे वो महिला वो इसी भी क्षेत्र की हो, हिंदू है, मुस्लिम है, उसमें ये नहीं देखा जाता। और पीड़ित पीड़ित है और दोषी दोषी है, दोषी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं पीड़ित हूँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी भाजपा सरकार, हमारा संगठन सब लगा हुआ है उनको कहने में, पर उनकी कार्यवाही हो रही है। कोई भी नीचे से प्रशासन कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा, हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आज हम इसीलिए यहाँ पर उतरे हैं। अगर मेरे खिलाफ, उनके खिलाफ, मेरे प्रति कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग सब यहीं पर बैठ जाएंगे, कोई महिला नहीं जाएगी। देखिए, आपने आज देखा नारी शक्ति कितनी अधिक संख्या में, जबकि आज इतनी ठंड है, सूरज भी नहीं निकला, इसके बावजूद इतनी अधिक संख्या में कितनी उद्वेलित थी, कितनी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सारा कार्यक्रम पूरा हो गया, कह भी दिया, लेकिन उसके बावजूद हम में जज्बा इनमें देखिए कैसे उनको मन के अंदर भाव उठ रहे हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जाने के लिए तैयार नहीं है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा। उनको उस 30 तारीख की जो नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई, वहां पर जिस प्रकार से हम पार्षदों के द्वारा, कुछ पार्षदों के द्वारा उन्हें अपमानित किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। देखिए, नारी शक्ति, नारी का जो अपमान है वो कोई सहन करने वाला नहीं है। आप देखिए, मोदी जी तो उनको वन ताल पूरे उसके अंदर विधानसभा लोकसभा में आरक्षण देने जा रहे हैं।
है, उसके बावजूद नारी का कितना सम्मान वो करते हैं। आज नारी पूरी तरीके से भारतीय जनता भारतीय उसकी संस्कृति का एक बड़ा अंग है। आप उस नारी का अपमान कर रहे, उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसे अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ निम्न कोटि की हरकतें कर रहे हैं। उसी को लेकर आप देख रहे हैं अभी भी चाहो तब जितना जन समूह जितनी महिलाएं कितनी अधिक संख्या में, जैसे कोई यहाँ पर सागर उमड़ पड़ा हो, और कितना जोर से एक बात दिखाइए। असली बात यह है कि उनके मन में नारी स्वभाव कोमल हृदय होता है, वो वज्र भी होती है लेकिन कोमल भी होती है। तो उसे लग रहा है कि नारी का इतना बड़ा अपमान हुआ है, सदन के अंदर अपमान हुआ है, जो किसी भी प्रकार से अभी तक हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई, और उसके बावजूद ये सब अपने आप को जो प्रेरित महसूस कर रही है उसी को लेकर ये आज द्योतक है इस बात का कि नारी को लेकर नारी कितना बड़ा एक मंसूबा लेकर यहाँ खड़ी हुई। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।